हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का डेमो करने वाली हूँ। इस वक्त मैंने अपने फेस पर आफ्टर लैक्मे मॉइस्चराइज़र मैंने एक मूज फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है और बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने अप्लाई की हुई है। और क्योंकि मूज फाउंडेशन के बाद भी थोड़ा सा ऑयलीनेस यहाँ पर रह जाती है, जिस वजह से उस ऑयलीनेस को कंट्रोल करेगा ये प्रोडक्ट। और ये है लैक्मे वाइट प्रेस्ड पाउडर शाइन कंट्रोल प्रोडक्ट है और सिर्फ 140 रुपीज का आता है, 2 इयर्स 2.5 ईयर शेल्फ लाइफ के साथ में। ओके, 9 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। सो मैं आपको बस इतना कहूंगी कि मैंने लगाया है लैक्मे एब्सोल्यूट का ये हाइड्रा प्रो जेल क्रीम एज अ मॉइस्चराइजर, एंड उसके बाद में लैक्मे 9 to 5 का ये वेटलेस मूज फाउंडेशन अप्लाई किया है। और इसकी कम क्वांटिटी मैंने अप्लाई की है, जिससे कि आप थोड़ा अनइवन स्किन देख सकते हैं फेस के आसपास, यहाँ पर थोड़ा डार्क सर्कल हल्का सा आपको दिख रहा होगा। तो ये एरियाज जो है, और स्पेशली मेरा टी जोन एरिया थोड़ा ऑयली हो जाता है, तो मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। इस पर कोई भी इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं है, इस तरीके की पैकेजिंग है प्रोडक्ट की। दोस्तों, पैकेजिंग इज वेरी प्रिटी, जैसा कि यहाँ लिखा है, अल्टीमेट स्मूथ फिनिश देता है, शाइन कंट्रोल इवन मैट लुक प्रोवाइड कराता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट पैकेजिंग, एंड इंग्रेडिएंट नहीं लिखे हुए हैं इस पर, और बाकी सारी जितनी डिटेल लिखी होती है लैक्मे के प्रोडक्ट पर वो सब इस पे मेंशन है। और ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, मतलब बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी। प्राइस के हिसाब से वाइट एंड स्लीक गोल्ड की लाइन है इस पर। और अब मैं ये अप्लाई करके दिखाऊं, उससे पहले मैं बता दूं, पहली बात तो 140 रुपीज़ में इसमें ना मिरर भी है, और इसके साथ में ये लैक्मे का आपको मिलता है जिस पर कि लैक्मे लिखा हुआ है। एक सेकेंड, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, इस पे लैक्मे लिखा है, लेकिन बहुत ही बारीकी से। जी हाँ, आप यहाँ देख सकती हैं। तो ये स्पॉन्ज और काफ़ी, जो कि लैक्मे का जो सन प्रोटेक्शन वाला SPF 40 कॉम्पैक्ट जो आता है, उसमें भी इसी तरीके का स्पॉन्ज आता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये ऐसा वाला पाउडर है, एकदम वाइट। और इसका ना, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा सुपर स्मूथ है सी। और ये ब्लेंड ना इस तरीके से होता है कि फिर फेस पर दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं होती है। तो मैंने जब इसको डे टाइम में अप्लाई किया था, तो स्पेशली मैंने अपने टी जोन एरिया, जो ऑयली है मेरी स्किन, लाइक कॉम्बिनेशन है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की है, कहीं कहीं ड्राई हो जाती है, कहीं कहीं ऑयली, और कभी पिंपल भी एक दो हो जाते हैं। सो मतलब सारा मिक्सचर है मेरी स्किन में। तो दोस्तों, मैंने जब अप्लाई किया तो ये काफ़ी अच्छे से ऑयल को कंट्रोल करता है। तो अभी मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इसको जो मॉइस्चराइजर के बाद मूज फाउंडेशन लगाया है, आप अगर CC BB या कोई भी क्रीम लगा रही हैं, या सिर्फ मॉइस्चराइजर के बाद इसे अप्लाई करना चाहती हैं, तो कर सकती हैं। तो मैं इसको ले रही हूँ, और एक्सेस प्रोडक्ट यहाँ पर इसको मैंने हटा दिया है, और अब मैं इसे डैब 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 करके अप्लाई कर रही हूँ। और आप एक वाइटनेस भी देख सकते हैं फेस पर राइट साइड में, जो कि अभी थोड़ी देर में ब्लेंड होने के बाद हट जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगी कि दोस्तों, इतना ज़्यादा भी आप ना लगा लीजिएगा। और मैंने आई मेकअप किया हुआ है, आई शेडो, आईब्रो पेंसिल एंड हल्का मस्कारा मैंने अप्लाई किया हुआ है। सो ये आप देखिए, एक वाइटनेस ऐड हो गई है। मैं ये कहूँ आपसे कि ये बिल्कुल इवन कर देता है स्किन को, तो नहीं, मतलब बहुत, अगर अनइवन स्किन है आपकी तो जैसी है वो वैसी दिखेगी, बस ऑयल कंट्रोल्ड रहेगी। और 140 रुपीस के हिसाब से मुझे इसका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी अच्छा लगा। और इसको जब मैंने मतलब जब भी स्किन पे अप्लाई करती हूँ, तो हल्की सी एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, मुझे तो हो रही है मेरी स्किन पे। और वैसे बात करूँ तो बिल्कुल फ्लॉलेस, इवन एंड यू नो, ऑयल फ्री स्किन हो गई है। लेकिन देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा एक्सेस अगर लगा रह जाता है ना,
तो उसको आप ऐसे हटा लीजिए, अदरवाइज ये बहुत ही मूजी सॉफ्ट एंड स्मूथ सा ऑयल कंट्रोल्ड स्किन लग रही है और एक टोन थोड़ी सी ब्राइटर दिखेगी क्योंकि आपने व्हाइट प्रेस्ड पाउडर अप्लाई किया हुआ है। और इसको अगर आप स्पॉन्ज से अप्लाई करेंगी तो ज्यादा मात्रा में व्हाइटनेस स्किन पे दिखेगी, लाइक उतनी व्हाइटनेस भी नहीं है मगर एक ब्राइटनिंग ऐड होती है। और अगर आप ब्रश से अप्लाई करेंगी तो आपको बिल्कुल फ्लॉलेस फिनिश मिलेगी जो कि अच्छी भी लगेगी। तो आप चाहे तो नेचुरली इसको इस तरीके से इस्तेमाल करिए या फिर मेकअप के समय आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है, और जिन्हें व्हाइटनिंग फेस पर पसंद होती है उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग नॉर्मल पाउडर जो लगाते हैं, व्हाइट लूज पाउडर जो होते हैं, उसके बजाय आप ये प्रेस्ड पाउडर अप्लाई कीजिएगा। ये फेस के लिए ही है, काफी अच्छा है, बट देर इज नो सनस्क्रीन एट ऑल। तो आपको सनस्क्रीन अगर आप स्किप कर रही हैं तो आपको लगाना पड़ेगा, आप स्किप मत करिएगा, और क्योंकि कॉम्पैक्ट के अंदर कोई सनस्क्रीन नहीं है। बस यही है ये प्रोडक्ट, ओवरऑल बहुत अच्छा है और प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। और अगर आप सनस्क्रीन वाला देखना चाहती हैं तो आप उसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर चेक कर सकती हैं। और नेचुरल फिनिश के लिए आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट है। और आप उसके बाद चाहे तो ब्लश अप्लाई कर सकती हैं, लिपस्टिक अप्लाई कर सकती हैं, बट लिप बाम भी अच्छा लगेगा। और बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। मेरी वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टिकटॉक एंड स्नैपचैट। आप मेरी वेबसाइट raratm.com पर जाना मत भूलिएगा दोस्तों, वहां भी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड ये प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करती हूँ जिन्हें अफोर्डेबल रेंज में वाइट प्रेस्ड पाउडर चाहिए। ये बिल्कुल वाइट है तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को अगर फाउंडेशन बेस टाइप का जो स्किनी जो बेज कलर होता है कॉम्पैक्ट का वो पसंद है तो उनको ये नहीं पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, बाय बाय। एंड मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर रारा पे हॉल वीडियो जरूर देखिएगा, विंटर हॉल वीडियो। थैंक यू दोस्तों।